का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। जिनका ताल्लुक नवल यूनिवर्सिटी से था और BS4 की तालिबा थी, अभी अल्लाह के हुजूर उसका कलाम पेश फरमा रही थी अपने खूबसूरत आवाज में। मेरे हुजूर, मेरा तो ईमान आप हैं, ये कायनात जिस्म है और जान आप हैं। हर्फ को मीजान लब पर तोलना आया हमें, नात पढ़ने के सबक कुछ बोलना आया हमें। मैं सबसे पहले तो मैं तमाम जो हाजरीन है, हमारे मौजूद हाजरीन, उनको खराज अकीदत खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और उन्होंने इस खूबसूरत महफिल को रौनक बख्शी। यहाँ हमारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक तालीम से है, ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो तालीम के परवाने हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो तालीम को आगे से आगे यानी मुस्तकबिल फैलाने के लिए अपनी कोशिशें करते रहते हैं। ये कैंपस 2007 में इख्तिताह हुई इसकी, और शुरू में जिन टीचर्स ने ज्वाइन किया मैं भी उनमें से एक था। अच्छा, उस वक्त ये बात हमारे काबो ख्याल में नहीं थी कि एक दिन ये कैंपस जो है वो एक अजीम शान यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार करेगा। अल्लाह का शुक्र है और उसी का करम है, ब्रिगेडियर आमिर जाहिद साहब तशरीफ लाए और एकदम से उन्होंने ये फर्ज शुरू कर दी। उनकी ये फर्ज जो थी उसमें अल्लाह ताला ने बरकत डाली और आज वो मुबारक दिन आ गया है कि जब इस यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह हो रहा है। किसी सूफी के अफवाज है कि व्हाट यू आर इज गॉड्स गिफ्ट टू यू, व्हाट यू आर इज गॉड्स गिफ्ट टू यू, व्हाट यू बिकम इज योर गिफ्ट टू गॉड। हर सब अच्छा नजर आ रहा है और मैं उम्मीद रख रहा हूं कि ये शहर, इल्मी शहर, इसी तरीके से फलता और फूलता रहेगा। मैं ब्रिगेडियर आमिर जाहिद साहब को बेतहा मुबारकबाद देता हूं और हैदराबाद के शहरियों को मुबारकबाद देता हूं। इसीलिए जो है ये यूनिवर्सिटीज का कयाम, ये कहा जाए कि साहब वो शहर के करीब एक यूनिवर्सिटी है, करीब होना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। हम एक ऐसी तकरीब मुनक्किद करें जिसमें रिवायात से हटकर
बहुत ज्यादा हम प्रोटोकॉल्स में करोफर में शामिल ना हो, तो इस सिलसिले में मेरी जो निगाहें इंतखाब गई वो उनकी जो सरकारी हैसियत है वो अपनी जगह है जनाब कमिश्नर साहब, अल्लाह ताला उन्हें और भी तरक्की देगा इंशाल्लाह। लेकिन मैंने उनके अंदर जो इंसान दोस्त इल्म दोस्त शख्सियत देखी और मेरी दरख्वास्त पर वो तशरीफ लाए, मैं हम सब उनके बहुत मशकूर हैं क्या कमिश्नर अब्बास बलूच साहब आज इस तकरीब के लिए हमारे दरमियान तशरीफ लाए। इसके अलावा भी मैं दिल मेरा करता है कि मैं फर्दन फर्दन आप सब हजरात से नाम लेकर शुक्रिया अदा करूं, लेकिन वक्त की किल्लत है और जुमे की नमाज भी पढ़नी है। मैं आप सबका मजमूई तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला और यहां पर तशरीफ लाए। एक अलामती हमने तकरीब का इनेकाद किया है, जैसा आपने देखा है कि हमारे तुलबा मुख्तलिफ तालीम के हवाले से मुख्तलिफ अशिया को एक संदूकची में जमा करते रहे हैं और उसके बाद फैकल्टी में हमारे जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं मैम नौरीन और गुलाम मोहम्मद वल्ला साहब, उन्होंने उसको गिलाफ पहना दिया है। अब हमारे जो अलमनाए है साबका तलबा है वो उसको लेकर बुनियाद तक लेकर जाएंगे जहां हम इस संदूकची को सुपुर्द बुनियाद करेंगे धरती में, और हम इसको धरती के सुपुर्द करेंगे इस अहद के साथ जो अहदनामा मेरे बहुत ही होनहार बच्चों ने पढ़ा और अब वो संदूकची में महफूज है। हम इसको महफूज करना चाहेंगे उस पाक सरजमीन के सब्स परचम तले ताकि ये अहदनामा हमेशा के लिए अहद तामीर की सूरत इख्तियार कर ले। उसके बाद जब ये संदूकची जमीन में सुपुर्द हो जाएगी बुनियाद के, तो उसके बाद इसके ऊपर हम कलमकारी करेंगे और मैं वाइस चांसलर्स और सीनियर प्रोफेसर हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि वो अलामती कलमकारी में तशरीफ लाएं। अलामती कलमकारी के बाद हम इसकी रोशनाई से आबियारी करेंगे। इस रोशनाई में तीन रंगों का हमने इस्तेमाल किया है, स्याह रंग इसमें शामिल नहीं है ताकि वक्ती तौर पर ही सही हम स्याही को आज किसी तरह इसमें हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। इसमें सुर्ख रंग की रोशनाई होगी जिसका मकसद खून जिगर और कुर्बानी की अलामत है। उसके अलावा सब्ज रोशनाई होगी यानी हमारा सब्ज हिलाली परचम और खुशहाली का निशान, और उसके बाद नीले रंग की स्याही रोशनाई वो इस बात की अलामत होगी कि आफाकियत और इल्म का निशान जो नीले रंग से जाहिर होता है और नमल का भी जो रंग है वो नीला रंग है। इस आबियारी के लिए हम वाइस चांसलर साहिबान से दरख्वास्त करेंगे, सीनियर प्रोफेसर साहिबान से हम दरख्वास्त करेंगे, कर्नल खालिद, कर्नल समी मसरूर साहब और दीगर माहिर तालीम फरीदा शेख साहिबा, सालिया परवीन और शबनम साहिबा, ये सब उसकी आबियारी करेंगी। और जो ही आबियारी का ये अमल मुकम्मल होता है प्रोफेसर मिस्कीन साहब और कमिश्नर साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन के साथ जो बैंड बजाएगा हम बुलंद करेंगे। उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, जब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि तमाम मेहमान वहां पर हमने मखसूस हिस्सा कर दिया है वहां पर तशरीफ ले जाए ताकि आप सबका भी इस बुनियाद की तकरीब में एक अमली हिस्सा हो। परचम कुशाई से पहले हम बहुत ही मुख्तसर सी दुआ करेंगे अल्लाह के हुजूर कि जो आज हमने ये काम किया है वो उसको मंजूर और मकबूल फरमाए।
हम तेरे हुजूर गौर करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इस मैदान, इस चमकते सूरज और इन पहाड़ियों को गवाह बनाकर जो हमने अहद किया है, उस अहद में हमें पूरा करने की तौफीक अता फरमा। हमें इल्म और अमल और तालीम और तरबियत की जिम्मेदारियां बखूबी सर अंजाम देने की तौफीक या अल्लाह, ये शहर जिस नाम से, जिस मुकद्दस हस्ती से मंसूब है, उस लिहाज से इस शहर को फिल वाकई इल्मियत का शहर बना और इस दरगाह को उस शहर इल्म के दरवाजे की हैसियत अता फरमा। हैदराबाद और ये जो खुदा है सूबा सिंध तालीम के हवाले से इस सूरत की तरह इस दुनिया में रोशन अल्लाह, इस दरगाह से फारिग तहसील तलबा न सिर्फ अपने शहर, सूबे, मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं। आमीन सुब्हान आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाब अल्लाह। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरी